गाजियाबाद मसूरी पुलिस ने एक किसान के खाते में हुई 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में यूनियन बैंक के सहायक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही इस मामले का खुलासा करते हुए पूर्व में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और पूरे मामले का खुलासा किया गया। एक FIR पंजीकृत हुआ था 459/19/420 IPC के तहत, जिसमें कई लोग प्रकाश में आए। अभी तक 3 लोग उसमें जेल भी भेजे गए हैं। ये बैंक से धोखाधड़ी के मामला है, जिसमें 1,13,00,000 रुपए की धोखाधड़ी प्रकाश में आई है। इसी में एक कल मसूरी पुलिस द्वारा एक सहायक बैंक मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कल्लूगढ़ी, जहाँ का ये मामला है, वहाँ से बद्री नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो खाताधारक हैं इसके वादी हैं मुकदमे के, उनका ATM कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को इशू किया था और जिसके आधार पर ये धोखाधड़ी हुई है। भैया मामला ये है, ऐसा है, 1,13,00,000 रुपये निकाला हमारे यहाँ, फिर तिवा जैन ने ATM बनवा दिया, सूरज मंडल बन का आ गया कोई भारे से, इन्हें दे दिया।